दरअसल मामला गुना शहर की मुरली धोकल गली में रहने वाले अशोक शर्मा पुत्र क्रमांक शर्मा की पत्नी ज्योति का है। आपको बता दें कि क्रमांक शर्मा और ज्योति की शादी 2005 में हुई थी और इसके बाद 5 सालों तक इनके बीच संबंध रहे। 2010 में दहेज के लालच में पति ने पत्नी को मायके में छोड़ दिया। इसके बाद ज्योति शर्मा ने न्यायालय की शरण ली और न्यायालय ने भी ज्योति का साथ तो दिया, मगर उसके बाद ज्योति लगातार अपने ससुराल घर आने के लिए चक्कर काट रही है। घर वालों को सूचना मिलते ही वहां से वो गायब हो जाते हैं। इस बात से परेशान होकर ज्योति ने अपना एक वीडियो जारी कर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया और घर घर की दीवारों पर लिख दिया कि मैं पीछा नहीं छोड़ूंगी, अपना हक और अधिकार लेकर रहूंगी। तो क्या आपको लेने नहीं आते मैडम? ये क्या कहना, क्या है इनका, क्या कहना चाह रहे हैं ये? हाँ, ये है ना, बोलते हैं कि ना तो लेके आएंगे ना ही तुम्हें तुम्हारा कोई हक और अधिकार देंगे। कोर्ट का जो आदेश था, कोर्ट के आदेश के अनुसार क्या हुआ? कोर्ट के आदेश ने मुझे धारा 9 के केस लगाया था मैंने आने के लिए, और मेरे को कोर्ट ने सेशन डिग्री का ऑर्डर दे दिया मुझे कि प्रमाण शर्मा मुझे लेके जाए, लेकिन ना तो उसने इस डिग्री का पालन किया और ना ही मुझे लेने आया। और आज वो 2 साल का बच्चा पैदा करके बैठा हुआ है यहाँ पे और किसी नौकरानी से संबंध बना के और उसको घर में ना बीबी का दर्जा दिए बैठा हुआ है और अपनी भ्राता पत्नी और मेरी बेटी को छोड़ दिया है। और मैं अब ऐसे चुप नहीं बैठूंगी, मैं बिल्कुल चुप नहीं बैठूंगी। मैं इसके खिलाफ है ना, चाहे मेरे को कहीं भी जाना पड़े ना, मैं जान दे दूंगी यहाँ पे। मेरे को मेरी बच्ची का अधिकार और मेरा स्थान चाहिए और मुझे उस रखेल को निकालना है यहाँ से, जो रखेल लेके बैठे हैं अंदर ही होंगे। ये कोई भी न्यायाधीश है और वो न्यायाधीश किस काम का, जो है ना घर में तो गैर कानूनी काम कर रहा है, लोगों का न्याय कर रहा है वो विशाल शर्मा और प्रीति श्रीवास्तव। अब क्या कहना है इनका मैडम, ये क्या कहना चाह रहे हैं ये लोग? ये सब दरवाजे के अंदर घुसे पड़े हैं, यहाँ मैंने पूछताछ करी है तो यहाँ ये बोलते हैं कि वो मंजिला गए, लेकिन वो लोगों से पूछताछ किए तो ये बोल रहे हैं कि वो घर में ही है। और मैं ऐसे पीछा नहीं छोड़ूंगी इनका, ये अगर अंदर है इधर भी और मैं उधर भी जाके बोलती हूँ, चिल्ला चोट करती हूँ, उधर भी होंगे ना तो सुन ले कि मैं ऐसे पीछा नहीं छोड़ूंगी इन लोगों का। जब कोर्ट का आदेश ये लोगों ने स्वीकार नहीं किया तो फिर ये तो आपराधिक प्रवृत्ति में आता है, इसके तहत 495 की धारा लगती है, इसमें 420 का केस लगता है, कोर्ट की अवमानना का केस लगता है। जो भी केस लगेगा इनके ऊपर, मैं इनको छोड़ूंगी नहीं, बस चलो तो उधर।